हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है और एक नए ब्लॉग पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोनीपोल गवर्नमेंट कॉलेज कांक, जो यहाँ से जाते हैं और ये हाईवे सीधा आपको काइंग लेके चलेंगे। काइंग, मचुका, मोनेगोंग, तातो या फिर ऐसा लेके चलेंगे। इसके साथ मैं आपको दिखा दूँ, ये हाईवे जो सीधा एलोंग से आने वाला है और यही से सीधा निकलेंगे कॉलेज के लिए। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, इस ब्लॉग में मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक कॉलेज को एक्सप्लोरेशन करके दिखाऊंगा, एक्सप्लोरिंग करके दिखाऊंगा, जिसका नाम है दोनीपोल गवर्नमेंट कॉलेज कांक, जो कि कांक कांबा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पे है। अलोंग शहर से आपको लगभग 20 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। यहाँ से आपको देखिए लेफ्ट लेना होगा, जो आपके स्क्रीन पे है ये वेलकम गेट है। ये गेट है जो कॉलेज कंपाउंड के, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं प्रवेश कर लिया हूँ। दोस्तों इस तरफ आपको देखने मिलेगा कॉलेज का कैंटीन, और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। चलिए इसे थोड़ा जाके देख लेते हैं और मैं प्रिंसिपल सर से भी मिलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मुझे कुछ परमिशन की ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पे सेकिंग ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी मैं जिम्बल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं कॉलेज को कब और किसने इनॉग्रेट किया है। इस तरफ आपको देखने मिलेगा मिरर ऑफ DPGC दोनीपोल गवर्नमेंट कॉलेज कांक, और यहाँ आपको मिलेगा हॉल ऑफ फेम, टॉपर्स लोग का नाम है, 5 ईयर्स का टॉपर्स या विद फोटो के साथ है। यहाँ पे ये टीचिंग स्टाफ का रूम है, और इस तरफ मिलेगा आपको प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल सर का रूम। ये वाइस प्रिंसिपल सर का रूम है, अभी देख सकते हैं कौन है, दिस इज एस्टेब्लिशमेंट। प्रिंसिपल सर का रूम आगे में, थोड़ा मैं उससे मिल के आ जाता हूँ, जो कि इसी समय बोरंग सर है। मुझे कुछ परमिशन की ज़रूरी है, तो दोस्तों मैंने अभी परमिशन ले लिया हूँ, सर मुझे ग्रांट कर लिया है, तो मैं मेरा काम भी कर लेता हूँ, उसके साथ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आप YouTube पे दोनीपोल गवर्नमेंट कॉलेज कांक के बारे में जानना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा। चलिए ये एक नया स्ट्रक्चर है, जो कि मैं बाद में आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आगे लेके चलता हूँ उस तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं एरिया बहुत ही शानदार है और एवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा जगह है कि बहुत सा बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर आप करा कर सकते हैं। ये जो कि प्लेग्राउंड है, कॉलेज का प्लेग्राउंड है, आप देख सकते हैं कॉलेज का लोकेशन ऐसा जगह में बनाया गया है जहाँ पे बहुत ही शांति है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही पीठ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट आप देख लीजिए, बहुत से एरिया बचा हुआ है अभी भी यहाँ पे। ये कॉलेज को आप अगर चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो इसे यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये जितना आपके स्क्रीन पे है ये सभी है आपका टीचर्स क्वार्टर है, टीचर्स आई मीन प्रोफेसर आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है कॉलेज में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी उस तरफ बहुत सा क्वार्टर है, तो एरिया के लिए बिल्कुल ही कमी नहीं है। मैंने आगे भी कहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट अगर चाहे तो। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ, यहाँ पे कॉलेज पार करने के बाद आपको यहाँ में मिलेगा
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कामके का दायित्व देखने मिलेगा। दायित्व इस तरफ में है, मैं समय नहीं हूँ वहाँ पे, मैं नहीं घुस पाऊँगा। चलिए अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्लासरूम, या हम जाएंगे उस तरफ लाइब्रेरी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। मैंने परमिशन ले लिया है, अब मैं थोड़ा सा काम उसे मैं कर लेता हूँ। यहाँ आप देखने को मिलेगा लाइब्रेरी, इसे भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, इनका कितना यहाँ पे बुक्स है उसे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो कि नया बिल्डिंग से, इसे मैं आपको पहला एक्सप्लोर कराता हूँ। चलिए बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी और शानदार बनाया गया है इसे, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। क्लासरूम है पूरा, यहाँ डिपार्टमेंट होगा आपका, सोशल साइंस डिपार्टमेंट होगा, साइंस डिपार्टमेंट होगा, अभी कॉमर्स भी है यहाँ पे। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट फ्लोर पे, उसे अभी देखने की कोशिश करेंगे। सेम डिजाइन है, उस तरफ आप देख सकते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे जैसे है वैसे ही है यहाँ पे भी। अभी डेस्क बेंच नहीं लगाया गया है, शायद नेक्स्ट ईयर से ये फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बढ़िया सा व्यू आप देख सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। और मैं यहाँ से आपको इस तरफ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहां से हम चले थे उस तरफ है आपका टीचर्स क्वार्टर। मैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दोस्तों आप देखिए एरिया काफी है, बहुत ज्यादा एरिया है यहाँ पे। इनका जगह भी, लोकेशन भी बहुत ही सुइटेबल और जैसे मैं कहूँ एप्रोप्रिएट, बहुत ही सही जगह पे हैं। अभी हम चलेंगे आगे टॉप फ्लोर पे, आपको जाके दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये टॉप फ्लोर है, वहाँ पे टॉयलेट है, लाइब्रेरी भी है, क्लासरूम। अभी मैं टॉप फ्लोर पे आया हूँ, यहाँ से मैं व्यूज आपको दिखाता हूँ। चलिए अब मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, ये पूरा हो गया है एंड ये क्लासरूम। दोस्तों आप देख सकते हैं क्लासरूम, ये पुराना वाला क्लासरूम है, यहाँ पे ये पूरा पुराना हो चुके हैं, इसे रिपेयर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं और मैं हूँ, यहाँ पे मेरा मैं काम कर रहा हूँ, जो कि आपको पता है मैं यहाँ पे, मैंने आगे भी बताया था, स्टूडेंट लोग से पूछना था, मिलना था, पर्सनल इंटरेक्शन करना था, कुछ क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करना था, जो कि मैं आपको पता है हायर एजुकेशन के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। आज स्टूडेंट कम है ये क्लास पे। अब हम इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये एंड ऑफ द क्लास है और इस तरफ भी क्लासेस हैं। यहाँ पे कहीं पे क्लास चल रहा है उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जो टीचर निकलने के बाद मैं परमिशन ले चुका हूँ, उसके बाद मैं उसे जो मुझे करना है वो मैं कर लूँगा। और इस तरफ भी क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा, ये क्लासरूम अच्छा है, अभी भी यहाँ कर सकते हैं।
चलिए अब मैं आपको लाइब्रेरी लेके चलता हूँ, मुझे लाइब्रेरी में भी काम है। स्टूडेंट से जो मैंने लेना था ले लिया है, ये लाइब्रेरी है। अब मैं यहाँ से डिटेल्स गैदर कर रहा हूँ। मैं यहाँ के स्टाफ लोगों से बात कर चुका हूँ और अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैं और यहाँ के स्टाफ हूँ। नंबर्स ऑफ बुक्स, नंबर्स ऑफ जितना भी यहाँ पे मटेरियल है उसे मैं, मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन जो मैडम ने मुझे दे दिया है। दोस्तों अब मैं जितना मैं लेना था ले लिया हूँ और इस ब्लॉग में मैंने आपको कंप्लीट टूर एक्सप्लोरिंग करके दिखाया हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कामकी को, और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।